नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे थंबनेल देखे होंगे जिसमें इतने दिन में ये और इतने दिन में ये, ऐसा कुछ नहीं होता। जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को अगर आप समझ लेंगे और करेंगे तो आपका एब्डोमेन जो बाहर की तरफ निकला हुआ ना, वो क्विक अंदर जाएगा। क्विक मतलब ऐसे चुटकी बजा के नहीं जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे अपना रंग दिखाएगा और आपका एब्डोमेन अंदर की ओर जाने लगेगा। इस एक्सरसाइज को करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा वार्म अप करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपना एब्डोमेन का एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो उससे पहले ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छी तरह से बॉडी को वार्म कर लें। बॉडी को वार्म करने के बाद आपको ये एक्सरसाइज को करना है। आज जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं आप लोग को, दो ऐसे एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो आपको पेट को अंदर करने में ना, मतलब इंच लॉस में आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है गाइज, बने रहिए, मैं आपको अपने वीडियो में बताने जा रहा हूँ दो ऐसे एक्सरसाइज जिससे आप अपने टमी को टक कर सकते हैं। गाइस, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बोलूंगा, जिसको कि आपको गांठ बांध लेना है। कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी मेडिसिन कोई मैजिक नहीं करता। जो एक्सरसाइज का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस स्लो है, ये बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन ये जो होता है ये थोड़ा ड्यूरेबल होता है। अगर आपने एक बार अंदर कर लिया तो बहुत दिनों तक पेट अंदर ही रहेगा, उसको बाहर निकलने में भी उतना ही टाइम लगेगा। जैसा कि आपने सुना होगा, जो चीज जितना मेहनत करके आप तैयार करोगे उसको बिगड़ने में भी उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको थोड़ा सा कार्डियो एक्सरसाइज करना होगा, क्योंकि एब्डोमेन मसल्स एक ऐसा मसल्स है, आप छोटे मोटे जिम में या बड़े से बड़े जिम में भी आपने देखा होगा, जब एब्डोमेन का एक्सरसाइज वो लोग लास्ट में करवाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है, जो एब्डोमेन मसल्स होता है वो बहुत ज्यादा थिनर मसल्स होता है, बहुत ज्यादा पतला मसल्स होता है। उस मसल्स का एक्सरसाइज से पहले जरूरी है कि आप वार्म अप कर ले। इसलिए किसी भी जगह पर कोई भी ट्रेनर अगर आपको एक्सरसाइज करवाता है एब्डोमेन का, तो वो लास्ट में जाकर के एब्डोमेन एक्सरसाइज करवाता है, या फिर 30-45 मिनट कार्डियो एक्सरसाइज के बाद। अगर आप इस एक्सरसाइज को करना चाहते हैं तो आप 10-15 मिनट का वार्म अप करके भी कर सकते हैं। गाइज, मैं आपको थोड़ा थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज कैसे स्टार्ट करना है और कितने रेपिटेशन करना है, कितने देर तक करना है, ये भी मैं अपने इस वीडियो में मेंशन करूंगा, जो कि ऊपर लिखा हुआ होगा। उतने टाइम करने के बाद ही आप एब्डोमेन एक्सरसाइज को स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है गाइज, चलिए शुरू करते हैं। We'll be right back.
चेस्ट करना है, ये ऊपर में लिखा हुआ है, उतना ही करने के बाद अब आप एब्डोमेन एक्सरसाइज के लिए जाएंगे। चलिए करते हैं एब्डोमेन एक्सरसाइज स्टार्ट। गाइज जो ये एक्सरसाइज बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ बिगनर के लिए है जिन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं किया और वो मन में ठान लिए कि बस मेरे को अपना पेट को अंदर करना है चाहे जैसे भी हो, वो इस एक्सरसाइज को कंसीडर करेंगे, उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर इस एक्सरसाइज को अगर आप बहुत दिनों से कर भी रहे हैं तो आप अजमा के देखिए, आपको भी इसका इफेक्ट अच्छा आएगा। और गाइज आपके फिटनेस के लिए ना, अगर आप मेरे से क्वेश्चन करोगे ना, जैसा भी प्रॉब्लम होगा आपके बॉडी में, अगर आपको शेप अप होना है या आपको अपना मोटापा कम करना है या कुछ भी, उसको आप कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जो वर्कआउट है ना, ये स्लो प्रोसेस है, ये धीरे धीरे करके आपको फिट करता है और इतना फिट कर देता है कि फिर आपका आपका बॉडी ना बैक फुट पे कभी भी नहीं जाता, आपका फिटनेस लेवल हमेशा ही बूस्ट होते रहता है। इसलिए मैं आपको एक चीज और हिदायत दूंगा, कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, आप लंबा रास्ता लें। वर्कआउट मतलब मेहनत, वर्कआउट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मेहनत करना होता है, तो आप मेहनत पे भरोसा रखें और आप मेहनत करें। मेहनत कैसे करना है ये आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और हाँ गाइस, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए और आपको सूट करे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। और गाइस मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हूँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें, इससे सिर्फ आपको बेनिफिट मिलेगा, आप भी फायदा उठाएं फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर करें। वर्कआउट मतलब मेहनत, वर्कआउट मतलब कंसिस्टेंसी, इस दो बात को ध्यान में रखिए, आप हमेशा फिट रहेंगे। ओके गाइज, मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।